Hello friends, welcome to Education Wave, Success Made Easy. In this chapter, we are going to learn about strategies for enhancement in food production. Chapter 9, Part 1. So, let's start with the introduction part. Here, so first of all, हमें ये जानना है कि फूड प्रोडक्शन के लिए जितनी भी स्ट्रैटेजीज आजकल हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारी जो फूड प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन है उसको हम इंक्रीज़ करने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं सो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे सो हियर स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन सो प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट फूड अगेंस्ट एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अ चैलेंजिंग टास्क वी ऑल नो दैट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे सो उसको उसके लिए जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उसकी उसी उन पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम जितना भी फूड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि इतना फूड हमारे पास होना चाहिए कि वो हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके ठीक है सो ये एक चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि हम जो फूड प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास इतना होता नहीं कि हम अपनी पॉपुलेशन का की नीड्स के साथ हम उनकी नीड्स को कंप्लीट कर सकें ठीक है सो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम ये टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं उन सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है सो इन सब चीज़ों को फूड प्रोडक्शन वी ऑल नो कि फूड जो है वो हमें किन किन चीज़ों से मिलता है ठीक है ये रिलेटेड हो सकता है प्लांट से रिलेटेड हो सकता है एनिमल से क्योंकि हमें उनसे काउ से मिल्क मिलता है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम एनिमल्स से लेते हैं एज अ प्रोडक्ट ठीक है एज अ फूड प्रोडक्ट तो फिर ये सब चीज़ें जो हमें प्लांट से एनिमल से मिल रही हैं उनसे ये सब चीज़ें लेने के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे ठीक है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सो सेवरल बायोलॉजिकल मेथड्स आर डेवलप्ड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हमने यहाँ पे यूज़ की ताकि हम जो फूड प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकें टेक्निक्स लाइक एनिमल हस्बेंड्री एपीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग हैव अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हमारी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कितनी टेक्निक्स यहाँ पे हमने हम पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एनिमल्स को ठीक है एग्रीकल्चर इट इज़ ए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग जिसके अंदर हम ब्रीडिंग कराते हैं ताकि हम अपने लाइफ स्टॉक को इंक्रीज कर सकें एपीकल्चर क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है जैसे कि प्लांट्स में भी हमने देखा है कि कभी कभी जो स्पीशीज एक साथ जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी है स्पीशीज हैं तो वो हमें वो प्रोडक्ट नहीं दे पाती जब हम उनकी ब्रीडिंग कराते हैं तो उनका प्रोडक्ट उनसे ज़्यादा अच्छा आता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे तो ये सारी हमारी फूड को अच्छा प्रोडक्शन फूड का अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए उसको इंक्रीज करने के लिए ये सारी टेक्निक्स जो हैं हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे Several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture techniques are going to play a pivotal role in further enhancing food production. So, हमारी जो food productions हैं उनमें और भी ज़्यादा several techniques हैं जैसे कि ये थोड़ी advanced हैं जो animal husbandry, apiculture, plant breeding है ये ज़्यादा advanced नहीं है जितनी ज़्यादा advanced यहाँ क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा technologies की use ज़रूरत पड़ती है ठीक है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है तो ये सारी टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में इसकी डेफिनेशन देखते हैं इट इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक सो यहाँ पे हम बेसिकली किससे डील करते हैं बफेलोज काउज कैटल्स जो शीप्स कैमल्स ये सभी चीज़ें ये जो कैमल्स गॉड्स हैं जो हमारे ह्यूमंस के लिए यूजफुल हैं ठीक है ताकि इनसे हम जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है इन सभी चीज़ों से हम डील करते हैं यहाँ पे इनकी इनको हम क्या करते हैं जैसे कि आपने देखा भी होगा बहुत सारे एनिमल्स को इकट्ठा करके रखते हैं वहाँ पे ताकि उनको अच्छा फूड हम देते हैं ताकि हम उनसे जो भी काउस से हम मिल्क ले सकें बफेलोज का भी मिल्क ले सकें ठीक है इन सभी से हमें कुछ ना कुछ मिलता है तो हम इनके
इनके साथ ऐसी इनकी रेयरिंग करते हैं और इनको अच्छे से रखते हैं, ठीक है, तो इन्हीं प्रैक्टिसेस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, ठीक है, ये भी इसी में आ जाती है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. एंड फिशरीज इंक्लूड रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग एटसेट्रा ऑफ फिश. तो वही करते हैं हम यहाँ पे, हम उन फिशेस को कैच करते हैं, उनको बेचते हैं और फिर उससे हम पैसे लेते हैं. तो बेसिकली ये एक फूड जो प्रोडक्शन का एक तरीके से एक जरिया बन चुका है पैसे कमाने का, ठीक है. सो एनिमल हस्बेंड्री में ये सब चीज़ें थी. पोल्ट्री फार्मिंग डील्स विद डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स यूज फॉर फूड, जितनी भी बर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हैंस हो गई, इनके एग्स हम यूज़ लेते हैं और फिर हम एज अ फूड प्रोडक्ट हम इन्हें मार्केट में बेचते हैं, ठीक है. तो इन एनिमल्स को अच्छी जगह पे रखना, उनकी प्रॉपर केयर करना और फिर उनसे जो भी उनको प्रोडक्ट मिलता है वो फिर वो मार्केट में एज अ फूड प्रोडक्ट बेचना, यही पूरा टोटल था एनिमल हस्बेंड्री. नाउ नेक्स्ट इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट. यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है. एक ऐसा मैनेजमेंट जिसमें हम एनिमल्स का मिल्क एज अ प्रोडक्ट ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे पढ़ते हैं कि डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स. हम यहाँ पे एनिमल्स को बेसिकली काओ, बफेलोज, जिनका भी हम मिल्क एज अ ह्यूमन जो कंज्यूम करता है, ठीक है. तो एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड इट डील्स विद प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स दैट इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क. ये ऐसी प्रोसेस से डील करता है जिससे कि मिल्क की क्वालिटी को हम और भी ज़्यादा न्यूट्रिशनल बना सकें और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या मायने रखती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं तो आप सबसे पहले आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. तो अगर आप कुछ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप हमेशा बेस्ट चीज़ें लेंगे ताकि आपका जो आगे काम होगा वो उन चीज़ों की वजह से ख़राब ना हो, ठीक है. तो सबसे पहले हम चीज़ों को अच्छा सिलेक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई मतलब फार्मिंग वगैरह करनी है तो आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेते हैं. सिमिलरली, अगर आप अपना डेयरी फार्म मैनेजमेंट या फिर ऐसा कुछ खोलने वाले हैं तो आप सबसे पहले अच्छी जो ब्रीड की अच्छी सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल. बोला जाता है कि हर एक ब्रीड की डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल होता है. कुछ जो काओ होंगी, मे बी उनका मिल्क, मतलब सबका जो मिल्क होता है वो उनके मिल्क में डिफरेंस होता है. किसी का ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वांटिटी होती है, किसी की नहीं होती है, ठीक है. सो सबसे पहले आपको अगर अपना डेयरी फार्म मैनेजमेंट मैनेज करना है तो सबसे पहले आपको जो स्टेप होगा वो है आपका कि सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल. द एनिमल्स हैव टू बी हाउस्ड वेल, शुड हैव एडिक्वेट वाटर, मेंटेन डिजीज फ्री. ऑब्वियसली अगर एनिमल डिजीज़ फ्री होंगे तभी उनका जो प्रोडक्ट होगा, जो मिल्क प्रोडक्ट होगा, वो भी डिजीज़ फ्री होगा, ठीक है. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि आप उसको अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा पानी दे रहे हैं और जहाँ पे आप उसे रख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेंटेन है, ताकि उसका सराउंडिंग मेंटेन होगा, खाना अच्छा खाएगा, पानी अच्छा पिएगा, तो जो प्रोडक्ट होगा, जो मिल्क प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो भी क्या होगा, हाई क्वालिटी का होगा, जिसकी वजह से मार्केट में उसके प्राइस और भी ज़्यादा हाई होंगे, ठीक है. सो प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड. अगर हम उसे खाना भी अच्छा प्रोवाइड करेंगे, अच्छी क्वालिटी का, तो हमें एक अच्छा ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है. सो और भी क्या चीज़ें, मेंटेनिंग हाइजीनिक एनवायरमेंट, जैसे कि मैंने बोला कि अगर वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन नहीं होगी तो मे बी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं जो कि मे बी उस एनिमल्स को हार्म कर सकते हैं या फिर उनमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. अ रेगुलर विजिट टू अ वेटनरी डॉक्टर इज मैंडेटरी.
जो एनिमल्स का डॉक्टर होता है उसमें भी रेगुलर विजिट उनको करानी चाहिए, ताकि वो उनको रेगुलर उनका चेकअप होता रहे कि उनमें कोई अगर कोई डिजीज तो नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा जिससे कि उसके प्रोडक्ट में वो चीज़ें इफेक्ट करें और फिर वो ह्यूमन भी कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली उसके भी हेल्थ पे इफेक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इम्पॉर्टेंट मेजर्स बताइए ताकि आप इम्प्रूव कर सके डेयरी फार्म मैनेजमेंट्स को, ठीक है। तो ये आप उनके स्टेप्स बता देंगे। ये ज़्यादा मार्क्स में नहीं आते, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एनिमल हस्बेंड्री बताइए क्या होता है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट पे कुछ पॉइंट्स बताइए, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट क्या होता है। सिमिलरली इन सब से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम एनिमल हस्बेंड्री में क्या कर रहे थे, एनिमल्स को अच्छे से रियरिंग कर रहे थे, उनको अच्छे से उनका ख्याल रख रहे थे और उनसे उनका प्रोडक्ट फिर लेके मार्केट में सेल कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में, यहाँ पे हम डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स लेते हैं, ठीक है, यूज्ड फॉर फूड एंड फॉर देयर एग्स, जैसे कि इंक्लूडेड चिकन, डक्स, टर्की, गीज, जिनके भी एग्स हम एज अ फूड प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, इनको हम लेते हैं। यहाँ पे पूछा जाता है कि इनके इम्पॉर्टेंट मेजर्स बताइए ताकि आप जो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो ये है इसके स्टेप्स। सबसे पहले क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री। ऑब्वियसली जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर आपको अपना डेयरी फार्म मैनेजमेंट भी खोलना या फिर कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि जो आप अपना ब्रीड ले रहे हैं वो क्या हो, डिजीज फ्री हो। सूटेबल ब्रीड लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वही नहीं अच्छा होगा तो आपको फूड एज अ फूड प्रोडक्ट जो मिलेगा वो भी अच्छा नहीं होगा। सो प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस होनी चाहिए, फीड एंड वाटर प्रॉपर होना चाहिए, हाइजीनिक प्रॉपर केयर हेल्थ शुड बी टेकन, जैसे कि उसमें बोला गया था वहाँ पे भी डॉक्टर के पास लेके जाना, यहाँ पे भी प्रॉपर हाइजीन और प्रॉपर हेल्थ केयर मेंटेन करना, यही सब चीज़ें इसमें भी हैं। नेक्स्ट इज एनिमल ब्रीडिंग। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ब्रीड विद सुपीरियर कैरेक्टर्स इन द ऑफरिंग इज कॉल्ड एनिमल ब्रीडिंग। सो बेसिकली एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्रीड ले लिया, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो काउ थी ये इसका जो मिल्क था मे बी हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी मिल्क जो इसका जो मिल्क था वो काफ़ी काफ़ी मतलब मिल्क ये करती थी, ठीक है। सो इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन होता था वो काफ़ी होता था, लेकिन जो दूसरी ब्रीड थी उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो ज़्यादा थी लेकिन उसका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता था। सो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रीडिंग की गई एनिमल्स की, जिसकी वजह से हमें सुपीरियर कैरेक्टर्स मिले। सुपीरियर कैरेक्टर्स मतलब कि यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे न्यूट्रिशनल क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्यों ना हम इन दोनों ब्रीड्स की अगर हम इन दोनों ब्रीड्स की मेटिंग कराते हैं तो हमें एक न्यू ब्रीड मिलेगा जिसके अंदर न्यूट्रिशनल क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ब्रीड, एक न्यू ब्रीड को क्रिएट करना विद सुपीरियर कैरेक्टर्स, ठीक है, मे बी इस वाले में जो सुपीरियर कैरेक्टर है वो इसमें नहीं है, लेकिन जो इसमें है वो इसमें नहीं है, लेकिन इन दोनों की मीटिंग की वजह से जो ये वाला ब्रीड होगा उसमें इन दोनों के सुपीरियर कैरेक्टर्स आएंगे, जो ऑफस्प्रिंग होगा कह सकते हैं। सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच इज रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, लाइक जनरल अपियरेंस में सेम होते हैं, फीचर सेम होते हैं, साइज कॉन्फिगरेशन, उसे हम बोलते हैं ब्रीड। ब्रीड इट डजंट मीन्स कि आप कि आपने काओ या काओ को किसी और से मेट करा दिया, इनके फीचर सेम होने चाहिए, इनके अपियरेंस सेम होनी चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, कॉन्फिगरेशन सेम होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं ब्रीड, ठीक है। नाउ ब्रीडिंग इज ऑफ टू टाइप्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि ब्रीडिंग कितने टाइप की होती है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम पूछा जाता है कि एनिमल ब्रीडिंग बताइए और उसके टाइप्स बताइए। आप क्या कर देते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज़।
सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ब्रीडिंग कितने टाइप्स की है। ब्रीडिंग दो टाइप्स की होती है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। ठीक है, इन ब्रीडिंग में क्या होता है, हम सेम ब्रीड्स में ही क्या कराते हैं, उनके बीच में सेम ब्रीड्स के बीच में ही मेटिंग कराते हैं, याद रखिएगा। यहां पे आउट ब्रीडिंग में क्या कराते हैं, हम डिफरेंट ब्रीड्स लेते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे हमने क्या लिया कि सेम ब्रीड्स लिए, विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जेनरेशंस थी, उनके बीच में ही हमने क्या किया, उनको क्लोजली जो रिलेटेड इंडिविजुअल्स थे उनमें हमने मेटिंग कराई, उसे बोलते हैं हम इंटर ब्रीडिंग। व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। सो मान लीजिए कि ये जो काउ थी, इसकी ब्रीडिंग दूसरी काउ के साथ कराई गई, ठीक है, लेकिन इन बिटवीन 4 to 6 जेनरेशन के बीच में सेम, इसलिए हम इसको बोलेंगे इन ब्रीडिंग हुई है। लेकिन आउट ब्रीडिंग क्या होती है, जब हम डिफरेंट ब्रीड्स में कराते हैं, लेकिन सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स, ये इन ब्रीडिंग का ही चल रहा है। इन केस ऑफ कैटल सुपीरियर फीमेल इज द काउ और बफेलो प्रोड्यूस मोर मिल्क पर lactation and a superior male is the bull which give rise to superior progeny as compared to those of other males। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो superior males होते हैं और जो superior females होती हैं same breed की are identified, उनको identify किया जाता है। superior कहने का मतलब है कि जिनके characteristics अच्छे हैं, ठीक है, हमें क्योंकि क्या चाहिए, उनके अंदर जो characteristics हैं जो हमें चाहिए वो क्या होंगे, इनमें पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर न्यूट्रिशनल क्वांटिटी हाई होगी और इसके अंदर मे बी इसका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो इसलिए इसको सुपीरियर मेल बोल दिया, इसको सुपीरियर फीमेल, और इन दोनों में जब मीटिंग कराई तो जो ऑफरिंग निकला उसके अंदर इन दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन ज्यादा अच्छे थे। सो इन केस ऑफ कैटल, कैटल्स के केस में क्या होता है, जो सुपीरियर फीमेल होती है ना वो काउ होती है, ठीक है, और बफेलो प्रोड्यूसेस मोर मिल्क पर लैक्टेशन एंड सुपीरियर मेल इज द बुल होता है। सो विच गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजनी एज कम्पेयर टू दोज ऑफ अदर मेल्स, इनकी वजह से क्या होता है, सुपीरियर प्रोजनी प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू ऑफ अदर मेल्स। अगर हम सुपीरियर मेल बुल लेते हैं तो अगर हम काउ एज अ मेल ले रहे थे लेकिन यहाँ हमने बुल लिया है सुपीरियर, तो जो हमारी प्रोजनी है वो एज कम्पेयर टू अगर जब हमने काउ लिया होता उनसे काफी अच्छी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये यही कहना चाहते थे। इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ठीक है, सो यहाँ पे इन ब्रीडिंग की वजह से क्या होती है, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है। और भी चीजें हैं, इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, तो जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेम में हो रहा है तो जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं वही आएंगे। आपको भी पता है कि जब तक हम सेम जनरेशन्स में ऐसे कर रहे होते हैं तो रिसेसिव जो जीन्स होते हैं उनका आने का टाइम, मतलब उनका आने का कोई चांस ही नहीं होता। सो सिमिलरली इसमें भी जो डोमिनेटेड जीन्स होंगे, इसमें भी डोमिनेटेड जीन्स होंगे, तो जो हमारी प्रोजेनी आएगी उसमें भी डोमिनेटेड ही होंगे वो। सो रिसेसिव जीन्स क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं जब सिलेक्शन होती है। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्यूमिलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, जैसे कि मैंने बताया कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सुपीरियर होंगी, ठीक है, प्रोजेनी जो होगी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स सुपीरियर होंगे। सो सिमिलरली सुपीरियर जीन्स ही आएंगे उस प्रोजेनी में एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। कंटिन्यूड इनब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूस फर्टिलिटी, अब यहाँ पे एक लॉस होता है इसके अंदर कि इफेक्ट्स होते हैं इनब्रीडिंग की वजह से। क्या होता है इनब्रीडिंग, सबसे पहले क्या करता है, इनब्रीडिंग की वजह से अगर हम कंटिन्यूसली हर एक जनरेशन में ऐसा किए जा रहे हैं तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करता है ये। उसमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट पे एक पॉइंट आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हमने ये भी ली, ये जो काउ थी, ये वाली काउ, इससे हमने इसकी मेटिंग कराई तो ये प्रोजनी निकली, इस प्रोजनी को भी अगर हम किसी और से कराते हैं तो दूसरी प्रोजनी, उसको भी हम इसी से कराएंगे, तो कभी एक पॉइंट आएगा कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी जो फर्टिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कि वो स्टराइल हो जाएगा।
एक पॉइंट आता है कि उसकी फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है जब हमने उसकी कंटिन्यूसली हमने उसकी ब्रीडिंग करते रहे, क्लोज इन ब्रीडिंग करते रहे, मतलब कि सेम ही ब्रीड्स में हम उनकी बार बार किए जा रहे हैं, तो इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी. ठीक है, सो फर्टिलिटी और यील्ड इसको हम रीस्टोर कर सकते हैं बाय मेटिंग द सिलेक्टेड एनिमल्स विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड. लेकिन कैसे हम इसको वापस ला सकते हैं, जब हम इनकी जो मेटिंग है अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स से कराएं. पहले क्या था, रिलेटेड थे, ठीक है, यहां पे हम अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स से कराएंगे, लेकिन रिमेंबर दैट कि सेम ब्रीड होगी. ये था हमारा इनब्रीडिंग. नेक्स्ट इज आउटब्रीडिंग. तो ब्रीडिंग क्या थी, जिसमें हम एनिमल्स को, दो एनिमल्स को मेट कराते हैं ताकि सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमें प्रोजेनी मिल सके, वो दो टाइप्स की थी इनब्रीडिंग. इनब्रीडिंग में हम दो सेम ब्रीड वाले एनिमल्स को मेट करते हैं और प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं. आउटब्रीडिंग में हम डिफरेंट ब्रीड्स लेते हैं. ठीक है, डिफरेंट ब्रीड्स का क्या मतलब है, प्रोग्राम दिस प्रोग्राम इज द सॉल्यूशन टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन. हाँ, इससे भी हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम कर सकते हैं. क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स आर कॉल्ड आउटब्रीडिंग. जैसे कि आउटब्रीडिंग के थ्री टाइप्स होते हैं, अब इसके भी तीन टाइप्स हैं. सबसे पहला टाइप है आउटक्रॉसिंग. नाउ व्हाट इज आउटक्रॉसिंग, मेटिंग ऑफ एनिमल्स within the same breed but having no common ancestors on either side of the pedigree up to 4 to 6 generations. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि वहां inbreeding में हमने सेम ब्रीड लिया था, लेकिन अप टू 4 to 6 generations क्या थी, अप टू 4 to 6 generations उनके individuals क्या थे, सेम ब्रीड के थे, लेकिन यहाँ पे 6 to 4 generations तक कोई भी ancestor सेम नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये इसकी पहली कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं आउट क्रॉसिंग. सो रिमेंबर दैट कि जब हम कराते एनिमल्स सेम ब्रीड के, लेकिन उनके एंसेस्टर्स कॉमन नहीं होते, ठीक है, 4 to 6 जनरेशन तक, तो उससे क्या होगा, ऑफस्प्रिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस. द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड आउट क्रॉस. ओके, सो इसमें क्या होता है, आउटक्रॉसिंग सबसे ज्यादा करवाई क्यों जाती है, ताकि इंक्रीज हो सके मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और क्या करवाता है, ग्रोथ रेट को एनिमल्स में इंक्रीज कराता है. तो ये थे इसके यूजेस. और अगर हम एक सिंगल आउटक्रॉस करा दें तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम कम कर सकते हैं. ठीक है, अगर उस ब्रीड की मेटिंग हम किसी ऐसे ब्रीड के साथ करा दें, रिमेंबर दैट कि सेम ब्रीड लेकिन उसका एंसेस्टर कॉमन ना हो, तो हम उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस ब्रीडिंग. क्या होता है, मेटिंग ऑफ सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड. वहां पे हम क्या ले रहे थे, सुपीरियर मेल ले रहे थे और सुपीरियर फीमेल ले रहे थे, लेकिन सेम ब्रीड्स के. क्रॉस ब्रीडिंग में हम सुपीरियर मेल ले रहे हैं एक ब्रीड का, सुपीरियर फीमेल ले रहे हैं हम दूसरी ब्रीड का, अनदर ब्रीड का, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू ब्रीड्स कैन बी कंबाइंड बाय दिस प्रोसेस. मे बी एक ब्रीड में जो मे बी क्वालिटीज हैं वो दूसरे ब्रीड में नहीं है, तो हम उन दोनों के ही सुपीरियर कैरेक्टर्स को लेके हमने जब उन दोनों की मेटिंग कराई, तो जो प्रोजेनी आया उसके अंदर जो क्वालिटीज थे वो उन दोनों ब्रीड्स के कंबाइंड थे. ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग में भी कमर्शियल प्रोडक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. ठीक है, बहुत सारी इसमें एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम्पल. सबसे पहले ये हिजार्डेल जो थी, सबसे पहली नई ब्रीड थी शीप की जिसको हमने डेवलप किया था. ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड इन पंजाब. इसको हमने पंजाब में डेवलप किया था बाय क्रॉसिंग बिकानेरी यूज और मैरिनो रैम्स. प्लीज रिमेंबर दैट कि ये भी एक अलग ब्रीड है,
ये अलग ब्रीड है, लेकिन इन दोनों को जब हमने किया तो ये हमारे पास क्रॉस ब्रीडिंग का रिजल्ट आया, हिजार्डेल जिसको नाम दिया गया। ठीक है, नाउ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका तीसरा टाइप है आउट ब्रीडिंग का। सो द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि इस उन सब चीजों में हम ब्रीड देख रहे थे। ठीक है, लाइक यहाँ पे हमने शीप की शीप डेवलप की, तो ये भी शीप थी, ये भी शीप थी, लेकिन इन दोनों के जो ब्रीड थी वो डिफरेंट थी बस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमने स्पीशीज डिफरेंट कर दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पीशीज डिफरेंट करने का मतलब क्या है कि एक जैसे हॉर्स ले लिया, एक डोंकी ले लिया, जिनकी वजह से अ म्यूल हाइब्रिड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स, जो कि क्या होता है, स्टराइल होता है। ठीक है, इनका एक यही लॉस होता है कि ये जो होते हैं स्टराइल होते हैं और इनका कुछ ज़्यादा कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। तो ये था हमारा एनिमल ब्रीडिंग का। नेक्स्ट इज कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स विच आर कैरिड आउट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। सो ऑब्वियसली इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे अभी हमने, किसी में क्या हो रहा था, उनकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो रही थी अभी हमने देखा, जैसे कि म्यूल जो था वो भी स्टराइल था, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज कर रहा था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए ताकि हम क्वालिटी इंक्रीज कर सकें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ को भी ताकि हम बढ़ा सकें। ठीक है, सो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब हमने इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाके, मतलब कि और भी ज़्यादा बारीकी से इनके बारे में जान के हमने ये सब चीज़ें की। तो देखिए क्या रिजल्ट आया। तो सबसे पहले की हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो द सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीमन इज जो स्पर्म्स होते हैं वो हमने विद प्लस लिक्विड जो होता है वो हमने कलेक्ट किया मेल से, और जाके हमने फीमेल में क्या कर दिया, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाके इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, द सीमन कैन बी यूज इमीडिएटली और कैन बी फ्रोजन फॉर यूजिंग लेटर। हमने वो इमीडिएटली यूज भी कर सकते हैं और इनको हम फ्रीज करके रख भी सकते हैं ताकि हम बाद में उसे यूज कर सकें। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड। मे बी सीमेन कलेक्ट करके हमने वहाँ भेज दिया जहाँ पे फीमेल को उसकी ज़रूरत थी या फिर जहाँ पे भी हमें ये एक्सपेरिमेंट करना था। नाउ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग एंड डिजायरेबल मेटिंग कैन बी कैरिड आउट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या, हम टाइम बचा सकते हैं या फिर नॉर्मल मेटिंग्स जैसी प्रॉब्लम जो होती हैं उन सब चीज़ों से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में करना ही क्या है, आपको सीमन लेना है और जाके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सीधा जाके इंजेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपका टाइम बच सकता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे मल्टीपल ओव्यूलेशन, आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे ओव्यूल्स की एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन तो समझ लीजिए कि बहुत सारे ओव्यूल्स को जब हम एम्ब्रियो में ट्रांसफर करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस पे कभी कभी आपको शॉर्ट नोट दे दिया जाएगा कि बताइए क्या होता है। सो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमने सबसे पहले किस पे यूज़ की थी, काउस पे। तो जो काउ जो थी, वी ऑल नो कि ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन क्या होता है, हम जब भी ओवरी से, जो हमारी ओवरीज होती हैं फीमेल फीमेल्स की ओवरीज से ओव्यूल्स जो होते हैं, जब ठीक है, सो जब ओवरी से ओव्यूल्स निकलते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ये ओव्यूलेशन कब होता है, जब FSH और हमारा LH हार्मोन्स जो होते हैं इनके अंदर
चेंजेस होते हैं, ठीक है. सो ये सभी एक्टिविटीज, ये जो हॉर्मोन्स है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके यहाँ पे रोल हैं, जिनकी वजह से हम ये जो हमारी ये जो पूरी प्रोसेस है तभी कर सकते हैं जब ये हॉर्मोन्स यहाँ पे होंगे. तो इसमें करते क्या हैं, जब हमारा FSH क्या होगा, हाई होता है, तब उस पॉइंट पे जाके हमारे ओव्यूल्स ओव्यूलेट होते हैं हमारी ओवरी से, ठीक है. तो ओव्यूलेशन करने के लिए हमें इतना पता है कि हमें FSH की ज़रूरत है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल बॉडी है वो 15 डेज के बाद ओव्यूलेट करेगी, लेकिन हमें उसकी नीड अभी है. तो मे बी हम FSH बाहर से उसके अंदर इंजेक्ट कर दें और ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दें कि ये जो हमारी ओवरीज हैं उनको लगे कि FSH जो है, क्योंकि ओवरीज ऑब्वियसली बॉडी को नहीं पता कि वो जो FSH है वो बॉडी का है या बाहर से है, उन्हें बस इतना पता है कि जब FSH रिलीज होता है ज़्यादा हमारी बॉडी में जब बढ़ जाता है तो हमें यहाँ पे ओव्यूलेशन करनी है, ओव्यूल्स को बाहर निकालना है, ठीक है. तो हम यहाँ पे काव में भी ऐसा ही करते हैं, सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं इसको. यहाँ पे हम क्या करेंगे, FSH हॉर्मोन्स बॉडी में हम उनके इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फॉलिक्यूलर मैच्योरेशन होगी और वहाँ पे 6 to 8 eggs instead of 1 egg वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है. इतना ज़्यादा हम FSH वहाँ पे डालते हैं जिसकी वजह से सुपर ओव्यूलेशन होगी, एक eggs की बजाय 6 to 8 eggs वहाँ पे एक साथ ओव्यूलेट हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन. नाउ सुपर ओव्यूलेशन इज जो सुपर ओव्यूलेटेड मेल जो एनिमल है, अब फॉर एग्जाम्पल ये जो काव है यहाँ पे उसके पास जो ओवरी थी उसमें 6 to 8 एग्स क्या हो गए हैं, ओव्यूलेट हो चुके हैं, ठीक है. अब इसकी मेटिंग एक बुल के साथ, एलाइट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड, या तो हमने इसको इंजेक्शंस के थ्रू यहाँ पे स्पर्म्स अंदर इसके इंजेक्ट कर दिए या फिर इसको मेटिंग कराई बुल के साथ, ठीक है. तो हुआ क्या, बात एक ही है, आप मेटिंग कराइए या फिर स्पर्म्स को इंजेक्ट कर दीजिए बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, दीज एग्स आर रिमूव्ड, सारे स्पर्म देखते हैं, मतलब ये तो डिपेंड करता है कि कितने स्पर्म जाके, क्योंकि अगर जब हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके वो सारे स्पर्म्स डालते हैं, तो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं, एग से जाके फर्टिलाइज हो जाते हैं और वहाँ पे क्या कर देते हैं, जायगोट की फॉर्मेशन कर देते हैं. तो जब ये प्रोसेस, जब वो जाके उनसे फर्टिलाइज हो जाते हैं तो रिमूव्ड एट 3 to 32 सेल स्टेज, हम उनको नॉन सर्जिकली रिमूव कर लेते हैं जब उनकी 8 से लेके 32 सेल्स तक की स्टेज बन चुकी होती है हर एक सेल की. फॉर एग्जाम्पल ये 1 था 2 था 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे फर्टिलाइज हो गए हैं स्पर्म से और इनकी स्टेज जो है 8 से लेके 32 सेल्स तक की स्टेज बन चुकी है. हमने इनको नॉन सर्जिकली सबको निकाल दिया, हमारे पास ये सारे के सारे 8 आ चुके, हमने इनको नॉन सर्जिकली निकाल दिया और एक एक करके सैरोगेट मदर्स में डाल दिया, मतलब ये दूसरी काव में, ये वाला दूसरी काव में, ये दूसरी, ये किसी और काव में, 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 ये किसी और काव में. तो एट अ टाइम हमने क्या किया, एक साथ 8 8, एक साथ हम कह सकते हैं कि सैरोगेट जो मदर्स थी, या फिर हम सैरोगेट मदर्स वो होती हैं जिसके अंदर बस हम एक एनवायरमेंट सा बना देते हैं ताकि वो जब उसके अंदर हम अपना जो जाइगोट है जो उसमें हमने डाला है वो उसे एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोड्यूस करेगा ताकि वो डेवलप हो सके, ठीक है. वो होती हैं सैरोगेट मदर्स. सो द जेनेटिक मदर कैन अगेन बी यूज फॉर सुपर ओव्यूलेशन. तो ये जो जेनेटिक मदर थी, जो जेनेटिक मदर है, जस्ट बिकॉज हम इसमें ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस जो ये वाली काव है इसकी जो इसके मे बी जीन्स या फिर इसके पास ऐसी सुपर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम चाहते हैं कि इसकी प्रोजनी में हो, मतलब कि इसके पास इसकी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या फिर इसमें न्यूट्रिशनल क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ये जो काउज होंगी ये बहुत ज़्यादा, इनका लाइफ स्पैन अच्छा होगा, ठीक है. और इनका डिपेंड करता है कि ये बहुत अच्छे ब्रीड हो, ठीक है. तो हम इनकी ही प्रोजनी लेना चाहते हैं, ठीक है. हम चाहते हैं कि सिर्फ इसके ही एग्स हम ग्रो करें, ठीक है, ताकि और भी ज़्यादा प्रोजनी हम प्रोड्यूस कर सके और हमारा जो प्रोडक्शन है
वो बढ़ सके. सो जेनेटिक मदर कैन अगेन बी यूज फॉर सुपर ओव्यूलेशन. और इस मदर के सारे जो हमने यहाँ पे जो फर्टिलाइज हुए वो तो हम निकाल चुके हैं और वो अलग अलग सरोगेट मदर्स में हमने डाल दिया और वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है. और ये फिर से रेडी है सुपर ओव्यूलेशन के लिए. तो यही टेक्निक थी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है. हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ फीमेल्स, क्योंकि उन बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग ब्रीड है, हाई क्वालिटी मीट है उनमें, ठीक है. और एटसेट्रा हैव बीन ब्रीड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम. एक शॉर्ट टाइम में हमने देखा अगर वो फीमेल सिर्फ एक एग प्रोड्यूस करती तो सोच सकते हैं आप कि एक टाइम में सिर्फ एक ही हम कह सकते हैं कि एक ही प्रोजेनी आती, ठीक है. लेकिन हमने कम टाइम में देखा एक साथ 8-8 प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है. तो शॉर्ट टाइम में हमने एक इतना इंक्रीज कर लिया साइज और हमें मिल्क भी ज़्यादा मिल गया, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा मिल गई, मीट क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है किसी किसी की, कैटल, शीप, रैबिट्स, इतनी सारी चीज़ों को हमने ऐसे ही सक्सेसफुली हमने डेवलप किया है शॉर्ट टाइम में, ठीक है. ये था पूरा हमारा मल्टीपल ओव्यूलेशन टेक्निक. नाउ बी कीपिंग क्या होता है, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एपिकल्चर. बीज से आपको समझ ही आ गया होगा कि जब हम बीज जो होती हैं हमारी उनको कीप करते हैं, इसको हम एपिकल्चर भी बोलते हैं. सो द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड बी कीपिंग. एज वी ऑल नो कि जो हनी है उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है मार्केट में, ठीक है. जो अभी भी हम हनी को काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसकी जो लोग उसको काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है. तो इसको भी इसकी प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी मेंटेनेंस होता है. उनकी जो हनी बीज की हाइव्स होती है उनको मेंटेन करना और हाई न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ वाली हनी बीज को हम प्रोड्यूस करते हैं. दे आल्सो प्रोड्यूस बी वैक्स विच इज़ वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस ऑफ वेरियस काइंड्स. जो हनी बी जो हनी बीज यूज़ करती हैं उनके जो बी वैक्स होते हैं, बी वैक्स में भी हम यूज़ करते हैं हनी का, ताकि जो जितनी भी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनमें हनी का काफ़ी यूज़ होता है. तो उन सब चीज़ों में हम इसका यूज़ कर सके. एंड देयर आर स्पीशीज ऑफ हनी बी विच कैन बी रियर्ड एंड द मोस्ट कॉमन स्पीशीज एपिस इंडिका. ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद कर लीजिएगा. बेनिफिट्स ऑफ हनी बीज जैसे कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले ये बहुत अच्छे पॉलिनेटर्स होते हैं. जब भी बी फ्लावर्स के ऊपर जाते हैं उनके कह सकते हैं उनके पैरों में या फिर उनकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं. जैसे ही वो फ्लाई करके वहाँ से जाते हैं वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो ये एक तरीके के पॉलिनेटर माने जाते हैं. इन्हीं की वजह से सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल, पियर, ये सब चीज़ें जो हैं अभी हम कह सकते हैं कि ग्रो होती हैं, ठीक है. कीपिंग ऑफ बी हाइव्स इंक्रीज पॉलिनेशन इन क्रॉप फील्ड्स एंड इम्प्रूव यील्ड. ऑब्वियसली मैंने जैसे कि बताया क्रॉप फील्ड्स में इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है क्योंकि ये पॉलिनेशन कराते हैं. दे आर बेनिफिशियल फॉर क्रॉप यील्ड एंड हनी यील्ड. हनी बीज क्या है, क्रॉप यील्ड की यील्ड करने के लिए बेनिफिशियल है और हनी की यील्ड के लिए. सो ये था हमारा बी कीपिंग. नाउ रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग इज, सबसे पहली बात आपको उन सब जो हनी बीज होती है उनका नेचर और उनका हैबिटेट पता होना चाहिए. सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स, क्योंकि आप ऐसे ही किसी भी जगह पे बीज को नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, हनी बनाने के लिए उन्हें नेक्टर चाहिए, नेक्टर उन्हें फ्लावर्स से मिलेगा और फ्लावर्स कहाँ होंगे वो आपको ढूंढना है, ताकि आप ऐसी लोकेशन, ऐसी सूटेबल लोकेशन को सिलेक्ट करें जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हो या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छे फ्लावर्स हो जिसकी वजह से वो नेक्टर ले सके और अपना हाइव फॉर्म कर सके. तो सिलेक्शन आपको चूज करना पड़ेगा, उनको कैच करना, हाइविंग ऑफ स्वार्म्स, मैनेजमेंट उनकी डिफरेंट सीजन्स में, एंड हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स आना चाहिए, क्योंकि वी ऑल नो कि उनके हाइव्स को जब हम थोड़ा सा भी टच करते हैं तो वो कैसे आपको आना चाहिए, यूज़ करना आना चाहिए कि आपको कैसे उनके हनी को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उनको हैंडल कैसे करना है. तो ये सभी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है.
नाउ नेक्स्ट इज फिशरीज. वी ऑल नो कि ये क्या होता है, इसको हम पिसिकल्चर भी बोलते हैं. इंडस्ट्रीज में उनको कैच करना, फिश को सेल करना, एक्वेटिक एनिमल्स को, इन सबको ही बोलते हैं हम फिशरीज. जैसे कि कैटला, रोहू, कार, ये सारी मैराइन फिशेज हैं जो आजकल आप मार्केट में भी देखते हैं कि कितने ज़्यादा ये एज अ मतलब लोग इनको खरीदते हैं. ठीक है, हिल्सा, सार्डिन्स, मैक्रिल और पॉम्फ्रेट्स, दे आर फ्रेश वाटर फिशेज. एक्वाकल्चर इज द रियरिंग ब्रीडिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स. ये था हमारा फिशरीज से रिलेटेड. सो मच. सब्सक्राइब करना मत भूलना. लाइक और कमेंट करने से आपके हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. सो प्लीज़ लाइक करिए जितना हो सके आप इस वीडियो को, एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको कैसा लगा. फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और लास्ट की वीडियोज़ देखने के लिए आई बटन पर ज़रूर क्लिक करिए. Thank you so much.